ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। आज एआई को लेकर दुनिया बहुत एक्साइटमेंट देख ही रही है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। इसे मुकाबला करने के लिए हमें अपने साझा प्रयास बढ़ाने होंगे। आज जब दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर्स यहां जुटे हैं, तब हमारे सामने कुछ और बड़े सवाल भी हैं। इन सवालों के उत्तर से ही बिजनेस और ह्यूमैनिटी का भविष्य तय होगा, और इनके जवाब के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। चाहे क्लाइमेट चेंज का विषय हो, एनर्जी सेक्टर की क्राइसिस हो, फूड सप्लाई चेन का असंतुलन हो, वाटर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसे मुकाबला करने के लिए हमें अपने साझा प्रयास बढ़ाने होंगे। समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विषय भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इसी प्रकार की अप्रोच की जरूरत है। आज एआई को लेकर दुनिया बहुत एक्साइटमेंट देख ही रही है, लेकिन एक्साइटमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है। स्किलिंग और रिस्किलिंग को लेकर एल्गोरिदम बायस और सोसाइटी पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जताई जा रही है। ऐसे विषयों को भी हम सबने मिलकर के हल करना होगा। ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटीज और सरकारों को मिलकर के ये सुनिश्चित करना होगा कि एथिकल एआई को विस्तार मिले। हमें अलग अलग सेक्टर्स में पोटेंशियल ड्यूरेशंस को मापना होगा। डिसरप्शन हर बार नजर आ रहा है और हम सोचते हैं, हिसाब लगाते हैं, उससे ज्यादा डिसरप्शन का स्केल, उसका व्याप और उसकी गहराई गंभीर होती जा रही है। इस समस्या का ग्लोबल फ्रेमवर्क, उसके तहत समाधान निकालना होगा। और साथियों, ऐसा नहीं है कि ऐसी चुनौतियां हमारे सामने पहली बार आई है। जब एविएशन सेक्टर बढ़ रहा था, जब फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ रहा था, तब भी दुनिया ने ऐसे फ्रेमवर्क बनाए हैं। इसलिए आज मैं G20 को यह आह्वान करूंगा कि नए विषयों पर भी मंथन करें, चिंतन करें। फ्रेंड, बिजनेस हैव सक्सेसफुली गॉन बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। नाउ इज द टाइम टू टेक बिजनेस बियॉन्ड जस्ट द बॉटम लाइन। This can only be done by focusing on supply chain resilience and sustainability. I am sure that the G20 summit has paved the way for a collective transformation. Let us remember that a connected world is not just about connection through technology. It is not only about shared social platforms, but also about our shared purpose, shared
प्लेनेट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड फ्यूचर।